हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है नेगेटिव स्लाइसिंग से। यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है और इसमें इंडियन लिखा हुआ है। अब मैं आपको इंडिकेट करके बताता हूँ यहाँ पे लिख करके कि कहाँ पर क्या स्टोर है। अगर हम नेगेटिव स्लाइसिंग करते हैं तो एन का जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा -1, ठीक है। इसी तरीके से एन के बाद ए का जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा -2, फिर आते हैं आई पर तो आई का बनेगा क्या -3, ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद डी का जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा -4, ठीक है। -4 जब बनेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर एन का क्या बनेगा, तो एन का बनेगा -5, ठीक है। इसी तरीके से आई जो कैपिटल आई है उसका क्या बनेगा, तो कैपिटल आई का बनेगा -6, ठीक है। तो ये सारी जो इंडेक्सिंग वगैरह है यहां पर मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है -3, तो -3 का मतलब कहां तक जाएगा, ये यहां तक जाएगा, यानी एन ए आई यही बनेगा ना -3। लेकिन इसमें से -2 करना है तो -2 का मतलब हो जाएगा ये हटा दीजिए, एन हटा दीजिए और ए हटा दीजिए, तो बचा क्या आई। तो मेरे हिसाब से तो आई ही प्रिंट होना चाहिए। आइए इसको एक बार चलाते हैं, देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है। तो यहां पे देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट है और यहां पर ये आउटपुट में क्या दे रहा है, आई दे रहा है, ठीक है, देख सकते हैं ना। इसी तरीके से अगर हम यहां पर -4 कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैं -4 कर देता हूं तो -4 कहां तक जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब देखिए यहां से देखिए ये हो गया 1 2 3 4, यहां तक, यानी डी तक आएगा, ठीक है, -4 डी तक आएगा। लेकिन इसमें -2 कर देना है तो -2 जब किया जाएगा तो डी और आई बचेगा, ठीक है। पहले क्या बचेगा, डी, देन आई बचेगा। तो अगर इसको मैं चला देता हूं तो डी और आई आना चाहिए, तो इसको मैं एक बार चलाता हूं यहां से, तो देखिए यहां पर डी और आई ही प्रिंट हो रहा है। कई बार मैंने रन करा दिया तो देखिए डी आई प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेगेटिव स्लाइसिंग को समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि कैसे ये हो रहा है। एक नंबर या दो नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना।